आज हम बनाने वाले हैं चिकन लॉलीपॉप। मल्टी किचन पुणे में स्पेशल है चिकन लॉलीपॉप, वो भी विथ सॉस के साथ दिखाऊंगी। मेरा भांजा है, उसको बहुत पसंद है, वो जिद कर रहा था, बुआ मुझे चिकन लॉलीपॉप खाने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चिकन लॉलीपॉप के लिए। इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड करेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। फिर ये 1.5 टीस्पून सोया सॉस है, 1.5 टीस्पून चिली सॉस है। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और सादी वाली लाल मिर्च ली है, ये 4 टेबलस्पून है। ये नमक है 1 टीस्पून और ये मैदा है 50 ग्राम, कॉर्नफ्लावर है 50 ग्राम और इसी में हम एक एग मिक्स करेंगे, एक ही एग मिक्स करेंगे इसी में। इन सबको हम मिला के लेंगे और 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। मैं भूल गई थी आपको बताना, इसमें 1 टीस्पून विनेगर भी ऐड करना है। ये हमारा मैरिनेशन मिक्स करके तैयार है। इसी में मैंने 2 टेबलस्पून पानी भी ऐड किया है और बाद में इसी में ही मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड की है। अभी ये हम 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे ताकि हमारे बहुत ही टेस्टी टेस्टी ड्रम्स ऑफ हेवन तैयार हो सभी के लिए। ये हमारा मैरिनेशन 2 घंटे हो गए हैं, तैयार हुआ है, कलर भी अच्छा आया है क्योंकि मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च 2 टीस्पून और सिंपल वाली मिर्च रेड चिली 2 टीस्पून यूज की थी। अभी हम इसे डीप फ्राई करेंगे तेल में। चलिए इसे कैसे फ्राई करना है, इसे ऐसे हाथ में उठा के इसे ऐसे थोड़ा सा टर्न करके इसे, ये तेल हमारा गरम हुआ है, फ्लेम अभी हाई पर है हमारी। ये है हमारे प्यारे प्यारे ड्रम्स ऑफ हेवन चिकन लॉलीपॉप। इसे सभी सभी तरफ से अभी हम फ्लेम जो है वो सिम करेंगे, मीडियम फ्लेम, मीडियम पर हम इसे फ्राई करेंगे। कितने सुंदर लग रहे हैं चिकन लॉलीपॉप। ये मल्टी किचन पुणे आपके लिए स्पेशल लेकर आया है। अगर आपने मल्टी किचन पुणे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल को क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो जरूर पूरा देखिए और आपके कमेंट हमें जरूर लिखिए और नई नई रेसिपी खाते रहिए। ये हमारे एक साइड से फ्राई हुए हैं चिकन लॉलीपॉप, इसे हम अभी दूसरी साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए कलर कितना सुंदर लग रहा है, इसे बहुत संभाल के हमें फ्राई करना है। जितना हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे उतना ही अच्छा हमारा चिकन लॉलीपॉप पकेंगे भी, जूसी भी बनेंगे। यह भी हम दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे और फिर इसकी सॉस की तैयारी करेंगे। ये फ्राई हुए हैं हमारे चिकन लॉलीपॉप, कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। ये चिकन लॉलीपॉप हमारे ड्राई वाले, अभी हम इसकी सॉस की तैयारी करेंगे। अभी हम ये सॉस पैन में 1 टीस्पून तेल
ऐड किया है। इसी में हम ये लहसुन है जो फाइन चॉप किया है, 1 टेबलस्पून लहसुन है। इसी में हम थोड़ा सोया सॉस 1 टीस्पून ऐड करेंगे सॉस के लिए। एक टीस्पून हम ग्रीन चिली सॉस भी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम रेड चिली सॉस भी ऐड करेंगे। 1 सा विनेगर ऐड करेंगे। इसे फ्राई करके लेंगे। इसी में थोड़ी सी ये सैलरी है प्याज वाली, ये ऐड करेंगे। गार्निशिंग के लिए भी थोड़ी सैलरी बचानी है हमने। इसी में मैंने ये कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना ली है। 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, इसमें ही मैंने 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया है। ये पानी इसमें ऐड करेंगे, ये स्लरी इसमें ऐड करेंगे। इसमें मिर्च पाउडर है, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा हल्का सा नमक है, 1/4 टीस्पून ऐड किया। थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून। चिकन लॉलीपॉप है वो ऐड करेंगे। और इसे हम फ्राई करेंगे। बहुत टेस्टी बने हैं। तैयार है हमारे चिकन लॉलीपॉप विद ग्रेवी, ड्रम्स ऑफ हेवन। कितने सुंदर लग रहे देखिए। आप भी बनाइए और सबको घर में खिलाइए। टेस्टी टेम्प्टिंग चिकन लॉलीपॉप, ड्रम्स ऑफ हेवन।